हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम लोग फिर से आप लोग के सवालों के जवाब देने आ गए हैं। पिछले वीडियोज में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, जितने भी आप लोग के क्वेश्चन थे उन सब के आंसर दी थी मैं। बट फिर भी मैंने बोला था कि आप लोगों के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अपनी एज गैप स्टोरी बताओ, तो मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग को अपनी एज गैप स्टोरी और उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में कहा भी था कि ऐसा एक दिन ऐसा नौबत आ गया था कि हम लोग का डाइवोर्स वाला नौबत आ गया था। मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये भी बोला था कि आप लोग गेस करो कि हम लोग का एज गैप कितना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने गेस किया है, कुछ लोगों ने तो एग्जैक्ट एकदम गेस कर लिया है और कुछ लोग ऊपर नीचे हो गए हैं। तो आज हम लोग आप लोग के जो भी क्या बोलते हैं सवालों के जवाब है एज गैप से रिलेटेड वो बता रहे हैं, हम कंफ्यूजन जो भी है वो दूर कर देंगे वो भी बता और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी हमारी शादी के बाद, क्यों हम लोग अलग होने का सोचे थे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे हम लोग और उस वजह से हम लोग को कितनी तकलीफ हुई थी, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और लाइफ में क्या करना चाहिए, इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि मेरे जैसे जो भी हैं लड़कियां वो लोग, आप लोग प्लीज एक बार समझना मेरी सारी बातों को सुन के कि लाइफ में कोई भी डिसीजन इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए। हमें जो आज जो चीजें अच्छी लगती हैं कल वो बुरी भी लग सकती है, या फिर जो चीजें आज हमें बुरी लगती है वो कल अच्छी भी लग सकती है। तो बस यही बात थी। तो बस ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कुछ लोगों को सीख मिल सके थोड़ा अपने रिश्ते को टाइम दे ताकि कुछ गलत फहमी हो तो दूर होकर के और आगे काफी अच्छा बॉन्डिंग भी होता है। क्योंकि जब हम लोग की नहीं चल रही थी, नहीं बन रही थी, तो ऐसा उस टाइम हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि जिंदगी में कभी भी मेरा नहीं बन पाएगा इनसे। और उसके बाद अब आप लोग देखते हो कि मेरी या इसकी कैसी बॉन्डिंग है मस्त वाली। तो गाइस चलिए कुछ आप लोगों के गेस्ट किए हुए सवालों के जवाब थे जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों के सवालों के आंसर दी थी, तो कि आप लोग गेस्ट करो कि हम लोग की कितनी एज गैप हो सकती है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और मैं वो नोट करके रखी हुई हूँ इनके फोन में। तो अभी मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ूंगी और आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो आप लोगों को बहुत खुशी होती है, मुझे भी वैसे ही खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। नोट कहाँ करके रखा है? मेरे फोन में। आपके फोन में? तो चलिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो संदीप पांडे जी कह रहे हैं 14 इयर्स एज गैप आस पास हो। और उसके बाद प्राउड टू बी इंडियन कह रही हैं थैंक्स डियर फॉर टेकिंग माय नेम एंड रीडिंग माय कमेंट। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। और एज गैप 8 to 10 इयर्स शायद, बताती हूँ और सपिहा डॉक्टर जी कह रही हैं आपकी एज 23 प्लस है और भैया की एज 32 प्लस है, बस आप थोड़ा थोड़ा क्लोज हो। और उसके बाद बबली पांडे जी कह रही हैं 8 to 10 मतलब 8 से 10 साल का अंतर लगता है, बबली पांडे जी कह रही हैं। उसके बाद निफ्टी किलर जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रविने जी, थैंक यू सो मच, मेरे अकॉर्डिंग आपके और आपके हस्बैंड के एज में 12 इयर्स का गैप होगा शायद। हाँ, बता रानी राय जी कह रही हैं 6 ईयर गैप। और शशि दी कह रही हैं 4 से 5 ईयर एज गैप होगा शायद। और सीमा मासी कह रही है सीमा गुड लक, एज गैप शायद 6 to 8 इयर्स। और रंगारंग टीवी जी कह रहे हैं 27 रवीना जी और पतिदेव 35। और रियल इंडियन होम एंड किचन जी कह रही हैं भैया जी 25 के हैं और 20 की हो आप, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत यार, इतना छोटा नहीं है। तो चलिए इतने सारे सवालों में किसका आंसर सही था मैं बता देती हूँ आप लोग का। निफ्टी किलर जी का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही था। पता नहीं कैसे आपको पता चल गया, पता है हम आपका कमेंट पढ़ रहे थे निफ्टी किलर जी, तो मैंने इनको दिखाया आपका कमेंट तो इन्होंने क्या कहा कि ये जरूर पक्का कोई जानने वाला है जिनको एग्जैक्ट इतना पता है। फिर हम लोगों ने आपके वीडियोस देखा तो फिर पता लगा कि नहीं आपको हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आपकी दो तीन वीडियो आपके चैनल पे हैं और हम दोनों ने वीडियो देखा था आपका, तो हमें लगा कि हम लोग आपको नहीं जानते हैं। शायद आप हमें जानते हो या फिर नहीं जानते हो, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपने एग्जैक्ट कैसे पता कर लिया कि हम लोग का एज गैप इतना है। तो और एक किसका कमेंट था जो 14 ईयर कहे थे, लगभग वो भी पकड़ लिए थे। हाँ, संदीप पांडे जी कहे थे 14 ईयर, तो अभी लगभग पकड़ लिए हो लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है आपका।
हम लोग का एज गैप 12 साल, 12.5 साल है, क्योंकि मेरा जो बर्थडे है 1 जून को है और इनका जो बर्थडे है वो 23 नवंबर, 23rd नवंबर। हाँ, तो इस वजह से हम दोनों का एज गैप जो है 12.5 साल का है। और इसके कारण हम लोग शादी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी शादी के बाद। उस टाइम की बात मैं बताती हूँ, जब इनको मेरे भैया देखे थे तो भैया ने कहा भी था मम्मी से कॉल करके कि लड़की की एज थोड़ा सा मतलब मेरी बहन से ज्यादा है। बट फिर सब लोगों को ऐसा बात लगा था जब इनको सब लोग देखे थे तो घर में, लेकिन फिर ये बात हुआ कि लड़का जॉब करता है, सेटल है, तो सेटल लड़का जॉब वाले लड़के तो मेरे एज के मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन वाले बच्चे सेकंड ईयर में थी ग्रेजुएशन के। हाँ, तो वो जो मेरे एज के बच्चे थे वो तो सब लोग पढ़ाई ही कर रहे थे, ग्रेजुएशन में ही थे, तो वो छोटे बच्चे थे सब, उस टाइम मैं भी छोटी थी, तो फिर वो पढ़ने वाले के साथ हो जाता तो थोड़ा सा दिक्कत होती। लेकिन पापा मेरे अगर थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा लेट शादी करते मेरी, तो बराबर एज का लड़का मिल जाता। बट लेकिन किस्मत में मेरे साथ ही लिखा था। हाँ, तो फिर आपके पास आना ही था मुझे। तो मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जेन्युइन बात बता रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। तो बट बस यही बात था कि इस वजह से हमारी शादी हो गई। वैसे तो इतना एज गैप किसी का नहीं होता है, बट हम दोनों की है। और हमारे यहाँ लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, उसके पीछे भी रीजन है। तो जो लड़के हैं उसकी तो जल्दी शादी नहीं होती है किसी के यहाँ भी, चाहे वो गांव के हो या फिर शहर के हो, सब लड़कों की शादी 25 के बाद ही होती है। बट हमारे यहाँ लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो फिर वो लड़के बराबर एज के नहीं मिल पाते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी हमारी शादी के बाद? बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आप कुछ बताइए। एक्चुअली हम लोग का थिंकिंग नहीं मिलता था, इसकी थिंकिंग यहाँ थी, मेरी थिंकिंग यहाँ थी, मैं यहाँ सोचती थी ना, तो ये यहाँ सोचते थे, और इस वजह से हम लोग को बहुत बहुत दिक्कत होती थी। मतलब इसको चाहिए था टीवी सीरियल मूवी वाला हस्बैंड जो पागलों जैसा प्यार करे 24 घंटे। टीनेज लव चाहिए था मुझे, जो टीनेज लव में अट्रैक्शन होता है दूसरे के लिए दीवाने। मैं थोड़ा मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था कि मैच्योरिटी टाइप का, तो उस कारण हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा, बिल्कुल नहीं बन पाती थी। मतलब हम लोग एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी, मतलब मूवीज के जैसा जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फिर इसे धीरे धीरे समझाया, फिर हम लोग की बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि पता है, मैं सोचती थी ना कि जैसे टीनेज लव में होता है एक दूसरे को देखो तो बेचैनी सी हो जाती है, या फिर मतलब कि एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूमे और एक दूसरे के साथ घूमने जाए, एक दूसरे के साथ मतलब टाइम बिताए, तो ये सब मुझे लगता था उस टाइम, बट अभी भी लगता है बट अब आदत हो गई है। तो ये चीज वो ये नहीं कर पा रहे थे, इनको ये सब बेफिजूली लग रही थी। और मैं बच्चों वाला मेरा हरकत हुआ करता था, बच्चों जैसा थिंकिंग था मेरा, और इस बात को लेके ये हमेशा मुझे ताना देते थे कि तुम बच थोड़ा सा ग्रो अप करो, तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ऊपर करो। और ये हमेशा बोलते थे कि बच्चों से शादी कर दिया, लोग बच्चों से शादी कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं रोने लगती थी। और मेरी ये भी आदत थी ना कि कोई भी मुझे डांटता था, कोई कुछ कह देता था, कुछ भी बुरा बोल देता था मुझे, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मतलब मैं रोतरू थी क्या हूँ भी अभी भी, लेकिन अब फिर भी बहुत मैच्योर हो गई। पहले से मैच्योर हो गई, अब इसकी थिंकिंग लेवल यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है, मेरी हाई थी यहाँ आ गई, तब हम लोग का अंडरस्टैंडिंग तो बस थी। यही बात है कि हम दोनों का बिल्कुल नहीं बन पाता था थोड़ा सा, मैं अपने इसकी एक्सपेक्टेशन इसमें थोड़े कम मैं की बता रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ, मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पूरा करना चालू किया। तो यही प्रॉब्लम हो रहा था ना कि मैं टीनेज लव चाह रही थी और ये चाह रहे थे कि मैच्योर हो, और ये इकलौते भी हैं, एक ही बेटे अपने घर के, तो इन पे बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। और मुझे ये लग रहा था कि नहीं, पहले अपना मतलब हम दोनों एंजॉय करें, मैं अपना प्यार मोहब्बत वो सब पहले पूरा करूं, उसके बाद फिर जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन ये चाह रहे थे कि मैं आते के साथ ही जिम्मेदारी ले लूं, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो इस वजह से हम दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, बिल्कुल नहीं पट रहा था हम दोनों का। मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, कहाँ से इनसे शादी कर दिया लोग, ये तो एकदम हाई लेवल का सोच रहे हैं, और इनको लग रहा था कि लो लेवल का सोच रही है, तो है ना। ये हमेशा बोलते थे कि बचकानी हरकत करती हो, अभी भी बोलते हैं ये कि तुम जिंदगी भर बच्ची ही रहोगी, कभी बड़ी नहीं हो पाओगी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है कभी कभी, बट ये हमेशा ताना देते थे ना कि तुम मैच्योर बनो, मैच्योर बनो। बोलिए कुछ। मैं बोलता था कि थोड़ा मैच्योर, अपनी थिंकिंग को थोड़ा ऊपर करो यार, ये टीवी सीरियल या मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। ऐसा होता नहीं कि टीवी सीरियल इतना मूवी में ही होता, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। इसने अपने एक्सपेक्टेशन थोड़े से फिर कम किए। हम दोनों ने बात किया एक दिन, पहले बहुत लड़ाई होती थी, फिर यहाँ तक आ गया बात की,
नहीं हम मतलब इनको लगा कि फालतू ये बचपना ही रहेगा, इसका ये नहीं सुधरेगी। और मुझे लग रहा था कि ये तो कभी मुझे प्यार ही नहीं करेंगे, मैं तो बस मतलब जिम्मेदारियों में बंद कर जाऊंगी, ये मुझे प्यार ही नहीं करेंगे कभी भी। तो उस वजह से हम दोनों को लगा कि नहीं नहीं अब हम लोग मतलब अलग हो जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है साथ में रहने का। और मुझे ये भी लग रहा था कि हे भगवान मम्मी पापा लोग इतने बड़े लड़के से शादी कर दिए, हम सोच रहे थे ऐसे बच्ची से कैसे होगी। तो हम दोनों को ये लग रहा था, इनको लग रहा था कि बच्ची से कर दिए लोग, और मुझे लग रहा था कि इतने बड़े लड़के से कर दिए, कोई एक्सपेक्टेशन पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर ये चीज मुझे भी लग रहा था कि मतलब गिल्ट फील हो रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था कहीं ना कहीं शादी को लेके, और सेम इनके साथ भी हो रहा था। फिर हम लोग आपस में बात किया, फिर एक दिन बहुत लड़ाई हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। तो फिर हमने मैंने कहा कि मैं नहीं रहूंगी आपके साथ, तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ चलो चलो जाओ, तुमको हमको भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। ऐसा लेके हम लोग को बहुत झगड़ा हो गया। रात था, रात में लड़ाई होती थी हम लोग की, अभी भी रात में ही होती है। तो ये बोल रहा है टाइम का, तो पता है ये मुझे टाइम भी नहीं देते थे, और मैं चाहती थी ना कि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, और ये मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे थे मुझ पर, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था इस वजह से। तो फिर रात में लड़ाई हुई, तो ये बोले कि चलो मेरे घर से निकलो, मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं भी नहीं रहूंगी आपके साथ। फिर ऐसे करके बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर उसके बाद ऐसा कंडीशन आया कि मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और इनके मम्मी पापा को भी कहीं ना कहीं बात समझ में आ रहा था कि मतलब ये दोनों की ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। हाँ, तो फिर उसके बाद दोनों फैमिली से ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा लोग ये बोले कि नहीं बेटा तुम वहीं पे मरो, और इनके यहाँ भी ये नहीं था कि नहीं तुम लोग मरो साथ में। तो ये पापा मम्मी लोग, मेरे पापा मम्मी लोग भी बोले कि तुमको जैसा लगता है तुम बताना। तो फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि मतलब नहीं रहना चाहिए हम लोग को साथ में। और भी कुछ रीजन थे जो मैं बताऊंगी आप लोग को कभी, कि हम लोग का इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रहा था। तो फिर हम लोग एकदम मतलब सोच लिए कि हाँ चलो चलो ठीक है अब अलग अलग रहना। उसके बाद जब फिर एक दिन हम लोग इमोशनल हो गए जब इन्होंने कहा कि चलो मेरे घर से निकलो, और मैंने भी कहा कि ठीक है मैं निकल रही हूँ। तो हम इन्होंने कहा बैग पैक करो अपना, याद है आपको, चलो अभी बैग पैक करो अभी के अभी। तो मैं बैग पैक करने के लिए गई थी, बट फिर मतलब हम दोनों को थोड़ा सा बुरा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग रात में बात किए, डिसाइड किए कि हम अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़े से कम करते हैं, आप अपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन को कम करो, दोनों के बीच के लेवल का सोचना चालू करते। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना बचपना कम करो, और मैंने इनसे कहा कि थोड़ा आप भी मतलब, मैंने कहा देखो हम दोनों के एज गैप 12 साल है इतना है, तो मैंने कहा इनसे कि आप थोड़ा सा पास आ जाओ, मैं भी थोड़ा सा पास आ जाती हूँ, मैं मतलब अपने उम्र के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा सोच रही हूँ, थोड़ा ऊपर आ रही हूँ, और आप अपने उम्र के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो हम दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो फिर हम लोग का ये हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा अपना बचपना कम की, मैच्योरिटी थोड़ा सा लाई, और ये भी थोड़ा सा अपना जो हाई लेवल का सोच था मुझ में ही ज्यादा बचपना भर दी। अब इनको साथ में रहते रहते ये भी बचपने हो गए हैं मेरे दोस्त, मेरा बचपना कम नहीं हुआ तो इसका बचपना कम नहीं हुआ, मेरा बचपना ज्यादा चालू। तो बस इस वजह से मतलब हम लोग अपने थिंकिंग को थोड़ा थोड़ा मतलब मैं थोड़ा हाई की और इन्होंने थोड़ा अपना लो किया, तो उसके बाद हम लोग की मतलब थोड़ा ठीक होने लगी। और अब क्या है, अब एक्सपेक्टेशन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, पहले जैसा नहीं कि नहीं आप, मैं भी नहीं रखती हूँ कि नहीं आप ऐसे करो, और ये भी नहीं रखते नहीं तुम ऐसे करो। अब हम लोग सोच समझ के मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं, और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी किया है मैंने अपने लाइफ से, इन्होंने भी किया होगा। तो बस ये कहना चाहती हूँ गाइस कि अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे, तो हमें भी तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे उतरना चालू किया, उसके बाद हम लोग की ट्यूनिंग ऐसे बन गई कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैं हमेशा परेशान करता हूँ। तो बस यही है, और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी एज गैप ज्यादा है या फिर कम है तो आपकी नहीं बनेगी, बनती है हर जगह पे बनती है, बस थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है, क्योंकि लाइफ हमें जो देती है ना, भगवान जी जो हमें देते हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ना कि उस बात को लेकर रोना रोना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने लाइफ को लेकर रोना रोते रह जाती कि यार ये क्या हो गया ये वो। तो अगर मान लीजिए उस टाइम मैं इनको छोड़ के चली भी गई रहती या फिर ये भी मुझे छोड़ दिए होते, तो उसके बाद वाली जिंदगी क्या हमारी अच्छी होती, नहीं होती ना, नहीं होती अच्छी। कौन सोचा, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया, तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कितने खुश है, कितना एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आपको मैं बताती रहूंगी, वैसे इस वीडियो का अभी यही मैं आई थिंक खत्म करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अभी भी कोई सवाल हो आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग हर सवाल का जवाब देंगे हम लोग,
और भी कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस टाइम कुछ बातों को लेके, तो मैं बताने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट कभी बताऊंगी बात होगी तो। और कुछ बातें इतनी पर्सनल हैं कि मतलब बताना सही नहीं लगता, नहीं सही लगता। हाँ, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोग को बता सकती हूँ जिससे थोड़ा सा आप लोग को भी इंस्पायरेशन मिलेगा कि नहीं लाइफ को ठीक किया जा सकता है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोग को। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।